हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक। यस बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक, आवर फेवरेट टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर। इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट क्यूब रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ओके, तो वहां जाकर आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। यस बेटा, सो लेट अस स्टार्ट अवर क्लास। सपोज दैट हमें 1 का क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। अगर हम 1 का क्यूब रूट कैलकुलेट कर लेते हैं तो जितने भी नंबर्स हैं वो सब 1 के मल्टीपल हैं, तो हम लोग इजीली उनका क्यूब रूट भी कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, सो लेट क्यूब रूट ऑफ 1 बी जेड। ये मैंने सपोज कर लिया। क्यूब रूट का मतलब 1/3 होता पावर। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, बोथ साइड क्यूब किया, देन वी गेट जेड क्यूब इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ इफ वी ट्रांसफर 1 LHS साइड, देन इट इज एन आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, लाइक ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये मैंने आइडेंटिटी यूज ले ली। नाउ देर इज प्रोडक्ट ऑफ 2 वैल्यूज इक्वल टू 0। इट मींस मे बी दिस वैल्यू इक्वल टू 0, मे बी दिस वैल्यू इक्वल टू 0। सो इफ वी टेक जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन जेड इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास 1 का जो क्यूब रूट है उसकी एक वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 1 आ गई। अभी हमारे को 2 वैल्यूज और फाइंड आउट करनी है। वो कहां से फाइंड आउट होगी, वो इस कंडीशन से फाइंड आउट होगी, लाइक इफ जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करते हैं। ओके, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने को लर्न होगा, इफ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज ए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन 2 ए। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। तो इसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहां a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज ऑल्सो 1। सो वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2 ए। ओके, यहां मैंने वैल्यूज पुट कर दी। नाउ इट इज माइनस 1 प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट माइनस 3 अपॉन 2। ये हमारे पास कंडीशन आ गई। एंड एज वी नो इन स्क्वायर रूट माइनस वी कैन राइट इट आयोटा, इज दैट क्लियर? सो जेड विल बी माइनस 1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, एंड जेड इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। तो बेटा हमारे पास जेड की 3 वैल्यूज फाइंड आउट हो गई, z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, एंड z इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। दीज आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट, यूनिट मतलब 1। ये हमारे पास 1 के क्यूब रूट्स हैं। तो अदर वैल्यूज के, अदर नंबर्स के भी क्यूब रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज दैट वी वांट टू कैलकुलेट
द क्यूब रूट ऑफ 8, हमें 8 का क्यूब रूट कैलकुलेट करना है, तो सिंपल सा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल z इज इक्वल टू, इट इज 2 रेस पावर 3 इंटू 1, ऐसा मेंशन करेंगे। अब जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, इट इज 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू z। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हमारे को 1 का क्यूब रूट मालूम है तो हम लोग अदर वैल्यूज के क्यूब रूट भी कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। तो अब आपके पास इसका क्यूब रूट क्या क्या हो सकते हैं, अब इसके क्यूब रूट हमारे पास, एक तो क्या हो जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा, एक तो 2 आ जाएगा, एक हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करेंगे दिस नंबर से, तो हमारा क्यूब रूट क्या हो जाएगा, -1 प्लस रूट 3 आई होता, और जब हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से तो हमारा हो जाएगा -1 माइनस रूट 3 आई होता। दीज आर क्यूब रूट ऑफ 8। ओके बेटा, ऐसे ही इफ वी वांट टू फाइंड जेड इज इक्वल टू -8 रेस पावर 1/3, यहां हम लोग ब्रेक करेंगे इसको, जेड इज इक्वल टू -2 रेस पावर 3 इंटू 1 रेस पावर 1/3, माइनस की कंडीशन ले लेंगे, वैल्यू ले लेंगे, तो फिर यहां पर बस आएगा माइनस वैल्यू आ जाएगी, -2 इंटू 1 रेस पावर 1/3। तो ये सब जो वैल्यूज है इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव आ जाएगा, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये वैल्यू, तो हम लोग ऐसे -8 का क्यूब रूट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, -27 का क्यूब रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी कंडीशन में हमारे पास एक कंडीशन और आती है, लिसन, अगर हम लोग इस वैल्यू का स्क्वायर करते हैं, इसको स्क्वायर करो जरा, अगर हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं तो आपके पास हमेशा ये वैल्यू आएगी, और अगर आप इसका स्क्वायर करते हो इस वैल्यू का तो आपके पास हमेशा ये वैल्यू आएगी। कहने का मतलब यह है कि इसका स्क्वायर ये होता है और इसका स्क्वायर ये होता है। नाउ इट मींस इफ वी अज्यूम दिस नंबर लाइक ओमेगा, इसको बेटा हम लोग ओमेगा बोलते हैं, डब्ल्यू जैसा बनाते हैं इसको, इट इज ओमेगा, तो फिर इसकी वैल्यू जो है वो हम अज्यूम क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको ओमेगा, इसको ओमेगा स्क्वायर सपोज करें, आप इसको ओमेगा, इसको ओमेगा स्क्वायर भी सपोज कर सकते हैं। इट मींस वी कैन से क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये तीन क्यूब रूट्स हमारे पास हैं यूनिट की, और इन तीनों में एक सिंपल सा रिलेशन हमारे पास होता है, वेयर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ऑलवेज 0, एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज मींस ओमेगा क्यूब इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये दो हमारे को रिलेशन लर्न रखने हैं, ये पैटर्न हमारे को लर्न रखना है, इट इज अ वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 11th क्लास एंड कॉम्पिटिटिव लेवल ऑल्सो। ओके बेटा, फिर भी कहीं कोई आपको डाउट हो, कहीं कोई प्रॉब्लम आए, यू कैन कमेंट मी इन माई कमेंट बॉक्स, सब्सक्राइब माई चैनल मैथ्स क्लास पवन कुमावत सर। इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, सो आई एम टेकिंग सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। यस बेटा, और फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिट, यूनिट मीन्स 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 7। अवर सेकेंड क्वेश्चन इज इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिट, देन वी वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन सेकेंड ब्रैकेट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4,
इन थर्ड ब्रैकेट 1 माइनस ओमेगा रेस्ट पावर 4 प्लस ओमेगा रेस्ट पावर 8 एंड इन फोर्थ ब्रैकेट 1 माइनस ओमेगा रेस्ट पावर 8 प्लस ओमेगा रेस्ट पावर 16। इन सबका सिंप्लीफाई करके प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। एंड थर्ड क्वेश्चन इज इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा रेस्ट पावर 2009 प्लस बीटा रेस्ट पावर 2009। या नंबर कुछ भी आ सकता बेटा, सेम आएगा, लेकिन ओके सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है वो लर्न करना है। इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिट देन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विल बी 0 एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये दो कंडीशन हमारे को लर्न रखनी है। ओके नाउ इन फर्स्ट क्वेश्चन वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेस्ट पावर 7। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर लाइक इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर रेस टू पावर 7। ओके नाउ इट इज माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर रेस टू पावर 7। ओके एंड इट इज माइनस 2 रेस पावर 7 एंड ओमेगा रेस टू पावर 14। नाउ कैन वी ब्रेक दिस टर्म इन फॉर्म ऑफ ओमेगा क्यूब? यस, सो इट इज माइनस 128 एंड इट इज ओमेगा रेस टू पावर 3 रेस टू पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू 1। सो आवर आंसर इज माइनस 128 ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन हमारे पास पटक हो सकते हैं। नाउ सेम केस के हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन भी है। यस, इन सेकेंड क्वेश्चन कंडीशन 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर सेकेंड ब्रैकेट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेस्ट पावर 4 थर्ड ब्रैकेट 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8 एंड लास्ट ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16। बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा की जो हायर पावर्स है उनको इस कंडीशन की हेल्प से लीस्ट पावर ऑफ ओमेगा में कन्वर्ट कर लेंगे। लाइक 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये लीस्ट पावर तक है, ये तो सिंपल सी कंडीशन थी। लेकिन यहां हमारे पास ओमेगा रेस्ट पावर 4 है, ओमेगा की पावर अबव 3 आती है, तो हम लोग इस कंडीशन की हेल्प से उसे लीस्ट पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ओमेगा पावर 4 है, ओमेगा की पावर 4 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा एंड ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या हो गई 1। सो ओमेगा 4 इज इक्वल टू ओमेगा, सो वी कैन राइट इट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। सेम पैटर्न पे ओमेगा 4 की वैल्यू तो हो गई माइनस ओमेगा और ओमेगा 8 इट इज प्लस ओमेगा स्क्वायर। सेम केस में इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, इट इज 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब देखो फर्स्ट ब्रैकेट और थर्ड ब्रैकेट सेम वैल्यूज है, सेकेंड ब्रैकेट फोर्थ ब्रैकेट सेम वैल्यूज है, सो वी कैन राइट इट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा होल स्क्वायर। इनको हमने होल स्क्वायर में ब्रेक कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। नाउ वी ऑल नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर फ्रॉम हियर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एंड 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, सो इट इज माइनस 2
ओमेगा एंड इट इज इक्वल टू माइनस टू ओमेगा स्क्वायर एंड इट इज होल स्क्वायर. इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, सो इट इज फोर ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर. ओमेगा क्यूब तो क्या होगा, वन हो गया, और फोर का स्क्वायर कितना होगा, 16. सो द वैल्यू ऑफ दीज इक्वल टू 16. ओके बेटा, सेम पैटर्न पे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन भी है. अल्फा इज इक्वल टू माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू. इसको हमने ओमेगा सपोज किया था, लेट ओमेगा, और इसको हमने सपोज किया था ओमेगा स्क्वायर. तो ओमेगा की पावर कितनी हो गई हमारे पास, 2009. हियर ओमेगा रेज टू पावर 2009 एंड इट इज ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 2009. इसको भी तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, और इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन. ओके, सो ये जो हमारे पास कंडीशन है, इट इज ओमेगा रेज टू पावर 2009 प्लस इट इज ओमेगा रेज टू पावर 4018. अब हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं, इट इज इक्वल टू ओमेगा रेज टू पावर 3669 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब रेज टू पावर 1339 इंटू ओमेगा. इट इज इक्वल टू 1, इट इज इक्वल टू 1, सो इट इज ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा विच इज इक्वल टू माइनस 1. सो एंसर ऑफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 1. दीज आर वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो यू शुड ट्राई, यू शुड प्रैक्टिस सम अदर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्यूब रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.